ब्रेकफास्ट ऑन व्हील्स करेंगे, टू व्हीलर ब्रेकफास्ट ऑन, टू व्हीलर ब्रेकफास्ट ऑन होंडा करेंगे हम, इसका फ़ोन हो जाए उसके बाद हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद आगे भी निकलना है। मॉर्निंग आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 8 बजे के आसपास टाइम है और मैं अभी अंडाल मोड़ जा रहा हूँ, वो भी पैदल। इतना सुबह काफ़ी मस्त वेदर था, धूप वैसे उठा नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, धूप उठा है, मस्त धूप उठा है, लेकिन हवा भी काफ़ी सही चल रहा है, इसलिए मुझे पैदल जाने का मन किया आज, मैंने टोटो लिया ही नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ अंडाल मोड़ और अभी चलेंगे आसनसोल, जो लास्ट काम था ना दी के पास जाना था वो आज ही करेंगे, लेकिन मैं ट्रेन से जा सकता था लेकिन आज दीपू जा रहा है आसनसोल के साइड में, उधर उसका कुछ काम है तो उसके साथ ही चलूँगा। वो भी आ रहा है दुर्गापुर से अंडाल मोड़, मैं अभी यहाँ से चलूँगा अंडाल मोड़, फिर अंडाल मोड़ में मीट करेंगे दोनों, फिर चलेंगे वहाँ से। अभी SBI के पास में हूँ मैं फिलहाल, तो जितना जल्दी हो सके। ये देखो ये WBSLCL का कार्ड है, ऊपर एक सीढ़ी बनेगा, सीढ़ी रहेगा तब वो WBSLCL का कार्ड है। मतलब समझ में कैसे आना चाहिए, अगर आप ढूंढ रहे हो WBSLCL मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला कार, तो अगर ऊपर ऐसे सीढ़ी रखा हो तो वही वाला कार है। हम लोग तो वैसे ही पहचानते हैं, हमारे गांव के अंदर जब ऐसा कार घुसता है हम लोगों को पता चल जाता है कि करंट कटने वाला है, क्योंकि कुछ काम से WBSLCL के स्टाफ आए हुए हैं, ऐसे ही पता चलता है। चलो मैं तो ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, सामने सिंगरन है, चलता हूँ। चुका हूँ गाइज मैं, और आज आसनसोल जाने वाला हूँ इसीलिए इस साइड में खड़ा हूँ मैं, और दीपू भी शायद ऑलमोस्ट आ चुका है, बोल तो रहा था कि आस पास में ही है, देखते हैं इधर ही शायद होगा कहीं पर। एक बार मम्मी को भी बता देता हूँ दीपू से मिलने के बाद कि उससे मिल गया हूँ। वो देखो आगे आ रहा है, साइड में रहते साइड में, कोई भी मार के चला जाएगा नहीं, तो ये GT रोड है ना। ये देखो सब सही, हेलमेट दो सब ठीक है जी, सुंदर हेलमेट। ये देखो इंजीनियर वाला हेलमेट, ये इसी के लिए मैं इंतज़ार में था, यही चाहिए था मुझे, यही वाला। चलते हैं चलो, अरे बाप रे बहुत बैग हो गया जिदू, चलो चलते हैं, यही वाला हेलमेट चाहिए था बालाजी में, उस कलर को मज़ा नहीं आया। जगह पे हूँ गाइस, पहले हेलमेट खोलता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, चश्मा भी खुल रहा है, एक साथ सब कुछ हो रहा है। तो अभी जिस जगह पे हूँ ये आसनसोल के एकदम लास्ट पॉइंट पे है, मतलब दुनिया के बाहर है मान लो, आ रहा हूँ तो आ ही रहा हूँ ऐसे चल रहा है। इतना टाइम हो गया, देखो हालत क्या हुआ है हेलमेट पहनने के बाद, मेरा भी हालत ख़राब हो गया। इतना टाइम से आ रहा हूँ ना, और मस्त हवा चल रहा है, ठंड तो लग नहीं रहा है लेकिन हवा काफ़ी सही चल रहा है, जगह काफ़ी मस्त है। देखो चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ हैं, यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, थोड़ा सा नहीं पूरा करेंगे, जितना भी करना है पूरा करेंगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा और भी जाना है। ये जगह का नाम है, सामने देखा चलबलपुर करके पोस्ट था, चलबलपुर ही। मैं बहुत छोटा था जब, तब ट्रेन से आया था, चलबलपुर के आसपास नहीं कहीं से आया था, मुझे याद है, नाम याद है। काफ़ी खाली खाली सा रास्ता है, यहाँ पे किसी का दुकान है, घर है, सब कुछ है, और ये शायद किसी का जगह है जो कि गार्ड दिया हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन हम लोग यहीं पे रुकेंगे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑन व्हील्स करेंगे, टू व्हीलर ब्रेकफास्ट ऑन होंडा करेंगे, इसका फ़ोन हो जाए उसके बाद हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद आगे भी निकलना है, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। ब्रेकफास्ट अपना डन, अभी निकलेंगे यहाँ से, आगे थोड़ा सा जाना है और जाना है, आगे चलते ही जाना है, बस चलते ही जाना है, कहाँ तक जाना है पता नहीं है, बस चलते जाना है, अभी जब पहुँच जाएंगे तब पता चल जाएगा। ट्रक भी मस्त चल रहा है, काफ़ी बड़ा सा रोड है ना, एकदम बाईपास से लगा हुआ, आगे बाईपास है मेन NH2 जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, और सीधा इधर आसनसोल की तरफ ही है, चलते रहेंगे अभी, बाइक निकालते हैं, डबल स्टैंड किया हुआ है, ब्रेकफास्ट ऑन व्हील्स कंप्लीट हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं फाइनली उसी जगह पे जिसका नाम राधानगर करके है, और पता नहीं है कौन सा जगह है सचमुच, मैंने नाम सुना है पहले लेकिन आया नहीं हूँ कभी। ये देखो मुर्गियाँ देखो, और एक पानी का जगह कितना गंदा हो सकता है वो यहाँ देख के पता चल जाएगा। इस घर में हमारा काम है, दीपू जा रहे हैं अंदर, ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ है, तो चलते हैं अंदर, उसका काम है मेरा काम नहीं है, तो मैं बाहर थोड़ी देर रुकता हूँ फिर चलें। हाँ चल जाती, इनके पीछे घूमते थोड़ा सा, देखो कितना मस्त फड़फड़ा रहा है। काम हो गया अपना, इतना जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है ना, और धूप थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया, अभी मैं चला के लेके जाऊँगा वापस, तो निकलते हैं जल्दी जितना जल्दी हो सके यहाँ से, हो गया सब कुछ, चलो
चुका हूँ गाइस, मतलब नॉर्थ बाजार में हूँ अभी। दीपू वापस जा रहा है और बाइक में चलते चलते पूरा पता ना कर गया, घर में जाके नहाना भी है। चलो उसको निकलना है, वो भी घर जाएगा, मैं भी इधर से घर जाऊँगा। वो गया नहीं घर, अभी गया नहीं, मैं बोला घर जाने के लिए लेकिन उसका काम है नहीं है। ठीक है बाद में आ जाना। चलो चलो सावधानी बढ़िया से आराम से चला मम्मी। चलो मैं भी निकलता हूँ घर जाके, मुझे भी नहाना है, वो भी निकल जाएगा यहाँ से। और मैं थोड़ा सा इधर से पैदल चला जाएगा, उतना दूर है नहीं, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है। देखो धूप इतना तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। और इतना टाइम बाइक में रहने के बाद ना वजन पूरा आ कर गया ऐसे, और धूल इतना ज़्यादा है, वो क्या बात बोलो। इसीलिए मैं नहा के भी नहीं गया था, बालों बालों की हालत ख़राब हो गया, हाथ की हालत देखो, कुछ नहीं किया है बस बाइक चलाया, इतना इतना धूल है, हाथों की हालत देखो। घर चलते तैयार हो चुका हूँ मैं गाइस नहाने जाने के लिए, पूरा पूरा वो भी। और बाहर देखो वेदर कितना बढ़िया, कितना अच्छा वो वेदर हो रहा है। धूप भी थोड़ा बहुत है, छाव भी सही है, हवा भी सही तरीके का चल रहा है, मस्त काफ़ी बढ़िया हवा चल रहा है। तो मैं फटाफट नहा के आता हूँ, उसके बाद इतना बढ़िया धूप होगा, इतना बढ़िया वेदर होगा तो छत में चलना है, ऑब्वियसली चलेंगे ना छत में चल के। उसके बाद वेदर का जो मज़ा है, आनंद है वो लेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी नहाए। टाइम हो रहा है अभी फ़िलहाल 3:05-10 होगा, थोड़ी देर पहले मैंने टाइम देखा था तब 3 बज रहा था, अभी 10-15 हो गया होगा। तो जल्दी जल्दी फिलहाल नहा लेता हूँ। हवा काफ़ी बढ़िया चल रहा, काफ़ी बढ़िया, ये देखो पंछी घूम रहा है, कितना सही वेदर है देखो गाइस। और बादल तो आजकल काफ़ी मस्त लग रहे हैं, कॉटन जैसा देखो बादल लग रहा है पूरा, काफ़ी सही वेदर है, काफ़ी सही मतलब व्यू लग रहा है इधर का। देखो सूरज तो इस साइड में है लेकिन अभी बादल के पीछे छुपा हुआ है, उधर का पता चल रहा है, उधर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लगा रहा है ना जगह, उधर ही सूरज है पीछे कहीं पे, बादल पे छुप गया, लेकिन व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है। और पेड़ के बीच से देखोगे तो और भी काफ़ी मज़ेदार लगेगा व्यू। धूप तो थोड़ी देर पहले था जब मैं नहाने गया था, नहाने के बाद वापस आया मैं, धूप अभी नहीं है, लेकिन वेदर काफ़ी सही है। थोड़ा बहुत हवा चल रहा है, मस्त वाला हवा चल रहा है, ठंड लग नहीं रहा है, हवा बढ़िया चल रहा है और वेदर भी काफ़ी सही है। डीवीसी के साइड में देखो पूरा एकदम साफ़ सुथरा जगह, काफ़ी सही सा वेदर है, मस्त एकदम मज़ेदार। एक बार यहाँ पे चढ़ के दिखाता हूँ, है ना, अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इधर का देखो सामने पेड़ आ गया, इस बार देखो इधर वो लेवल लेवल अलग ही लेवल का लग रहा है। इधर वाला पोर्शन सबसे बेटर लग रहा है मुझे, और नीचे से देखो तो उधर वाला पेड़ के बीच से जो दिख रहा है काफ़ी सही हुआ। इधर देखो नीचे वाला देखो एक बार पेड़ के बीच से, हाँ ये वाला जगह देखो कितना मस्त लग रहा है। काफ़ी वक्त हो चुका है गाइस, वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मतलब अभी मैंने घड़ी देखा नहीं है, मैं फ़ोन लेके बैठा हुआ था, थोड़ा वीडियो बना रहा था मैं, तो मैंने देखा नहीं टाइम, मैंने सचमुच देखा नहीं। तो मेरे ख्याल से देख के तो इतना लग रहा है कि 5:30 के आसपास टाइम हो रहा है, देख के वैसा ही लग रहा है। ट्राईपॉड यहाँ पे रखा हुआ है, स्टेडी करने के लिए फ़ोन को चाहिए होता था इसीलिए मैंने रखा है। तो अभी ये कौन सा पेड़ है, पेड़ का पत्ता थोड़ा सा अलग अलग टाइप का लग नहीं रहा है, नहीं पत्ते नहीं है वो कूड़िया है, जिससे फल बनता है ना वो कूड़िया है वो, इसीलिए वैसा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा अलग लगा इसीलिए मुझे लगा कि पत्ते तो ऐसे कलर के होते नहीं है, पत्ते तो ऐसे कलर के होते हैं, देख रहे हो। और यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, कपड़ों को मुझे लेके नीचे जाना है, नीचे मतलब घर में रखना है, उसके बाद चलना है थोड़ा सा नीचे इंटरनेट कैफ़े में, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम। आज वैसे सैटरडे है, आज सुपुदा बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता है, तो गया है कि नहीं गया है मुझे पता नहीं, वो पहले कन्फर्म करना पड़ेगा, अगर गया होगा तो कैफ़े थोड़ा सा लेट करके खोलेंगे, तो थोड़ा सा मैं बैठ लूँगा घर में, थोड़ा पानी वानी पीता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया पानी नहीं पिया हूँ मैं तो। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ वो कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी रहा हूँ, आधे घंटे बाद पी रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है क्या पता है, कुछ हो तो नहीं रहा है फिलहाल, इससे ये हो रहा है कि पानी पीना ही भूल जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद पीना है ऐसे सोच रहा हूँ, आधे घंटे बाद कुछ और काम में लग जा रहा हूँ, फिर पानी पीना ही भूल जा रहा हूँ, ऐसे हो रहा है हर दिन, इसीलिए पूरे दिन में मैं 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी रहा हूँ आजकल, भूल जा रहा हूँ, तो उसको मुझे थोड़ा सा ध्यान में दिमाग में रखना पड़ेगा। नीचे चल के पानी पीता हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गया है, चलते हैं नीचे। और अभी तक अंधेरा तो हुआ नहीं, अंधेरा होने का इंतज़ार करते हैं, अंधेरा होगा तो फिर मस्त हमारा जो स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगा है हमारा नहीं सरकार का है, तो जो सरकार का है वो भी हमारा ही है, तो एक हिसाब से बोल सकते हैं, तो ये स्ट्रीट लाइट जलेगा फिर मस्त चारों तरफ रोशनी रोशनी होगा। वैसे ऐसा नहीं होगा जब भी ऐसा है, मतलब अब जैसा है जब भी ऐसा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अब जैसा है वैसा नहीं होगा, लेकिन मज़ा आएगा रात के अंधेरे में रोशनी, वो अलग सा फील आता है ना, रात का अंधेरा बीच में रोशनी, पूरा जगह पे रोशनी तब मज़ा नहीं है, रात का अंधेरा बीच में और रोशनी वो अलग टाइप का लगता है। देखो पंछी जा रहा है मस्त, उनका भी टाइम हो गया, मैं फिर भी अभी भी बके जा रहा हूँ, उनका टाइम हो गया घर जाने का,
पूरा दिन काम करके घर चले गए, मैं बाकी जा रहा हूँ बस। चलो चलते हैं, नीचे चलते हैं। पहले ये जितने भी कपड़े हैं इधर इधर उधर उधर भी है वो सारे उठा लेते हैं। वहाँ पे मीम का सू रखा हुआ है, वो सारे भी उठा लेते हैं क्योंकि मम्मी ने बोल रखा है अगर अचानक से बारिश हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे इस टाइम पे बारिश तो होना नहीं चाहिए लेकिन मम्मी ने बोल के रखा है कि कपड़े उठा लेना, अगर बारिश हो गया तो दिक्कत है, तो मैं रिस्क ही नहीं लूँगा। अगर बारिश हो गया तो फिर मेरा हालत ख़राब हो जाएगा ना, मम्मी को पता चल गया कि अगर ये सामान बारिश में हुआ बारिश और बारिश में भीग गया तो दिक्कत है, तो उतना रिस्क ही नहीं लेंगे। अभी मैं लोग को उठा के नीचे चला जाता हूँ, नीचे रख देता हूँ मस्त सेफ से जगह पे, जहाँ पे बारिश होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़े। अभी गाइस टाइम हो रहा है 9:15, देखो, और आज एक वीडियो एडिट करने में मुझे इतना टाइम गया है ना, उसका थोड़ा ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम था, मतलब वैसा ही करना था, क्लोनिंग वाला वीडियो था, तो उसको एडिट करने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अभी तक मैं एडिट ही कर रहा था, अभी अभी जस्ट हुआ है वो, मैंने 9 बजे पोस्ट भी किया। तो मेन बात यह है कि मैं इसीलिए नीचे कैफे में जा ही नहीं पाया, अब मैं वो शाम से वही काम कर रहा था। अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा मौका मिला है, इसके बाद मुझे ये ब्लॉग को भी एडिट करना है पोस्ट करने के लिए, जो कि कल सुबह होगा, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, जल्दी वो भी करना है। उसके बाद 9:15 है, खाना भी खाना है, वो भी करना है, बहुत कुछ करना है, अभी भी काम बहुत सारा बाकी है ना, तो उसके पहले एक बार नीचे से घूम के आता हूँ मैं। और फिलहाल आज के लिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आए हुए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में।